गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव आइए फिर और लाइव आकर बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग रोहित, अटल रोहित राज, कुमार अमित, सत्यम रोहित, गौरव झा, पंकज राणा, अमित कुमार, साजिद खान, उसके बाद है मोहन कुमार, रविंद्र कुमार, अरुण कुमार, अमित कुमार, प्रकाश कुमार, सत्यम। अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही है क्या बारिश? हाँ, दिल्ली में तो इस साल इतनी बारिश हुई है कि हम लोग परेशान हो गए हैं अब इस बारिश से। रोज बारिश होती है इतनी तेज। ओके रोके, राकेश कुमार के, दिस इज माई लाइव क्लास। ओके काना सुबह, गुड इवनिंग। बिहार में सूखा है? बिहार में सूखा? बिहार में तो बाढ़ आ रखी है, हमने तो ये सुना। रायपुर में भी बारिश हो रही है आज। दिल्ली में पिछले 3-4 दिन तो नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर इतनी तेज बारिश हो गई। और जयपुर में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, हमने सुना है, है ना। चलो, बारिश की दुआ मांग रहे हैं। अच्छा, फिर अगर आप दुआ मांग रहे हैं बारिश होने के लिए, तो मैं यहाँ से भेज रही हूँ आपकी तरफ बहुत सारी बारिश। मजे करना फिर, हम लोग परेशान हो गए, हमारी क्लासेस डिस्टर्ब करती है बारिश। जब जब बारिश आती है ना, तो दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले एरिया में इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं भेज देती हूँ यहाँ पर, है ना। अगर किसी के यहाँ सूखा है तो मैं आज बोलती हूँ भगवान को कि अच्छा, मैंने वैक्सीन लिया आज, वैक्सीन लगवाया आपने आज, कहते हैं बारिश हुई है। राजेश कुमार गुड इवनिंग, ऋषि दीवान, ऋषि दीवान गुड इवनिंग। उसके बाद हैं सत्यनजीत, गणपति कुमार, सबको गुड इवनिंग। मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, अरे अच्छी लगने से याद आया, मैंने अपना 5 किलो वजन कम किया है, इसलिए अच्छी लग रही हूँ, है ना। आप लोगों का सुन सुन के मैं परेशान हो गई थी, मैम आप मोटे हो गए, आप मोटे हो गए, इसलिए बस मैंने डाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट कर दी है। देख रहे हो, ये देखो, ये भी ली थी मैंने कुर्ती थोड़े दिन पहले, जो बहुत टाइट थी, लेकिन आप देखो कितनी ढीली कर ली मैंने इसे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। शिवराज जी, नेट, अजमेर जी कह रहे हैं नेट नहीं चल रहा। नहीं, मेरा नेट चल रहा है अभी तक, बहुत अच्छे से चल रहा है। मैम यहाँ वजन बढ़ नहीं रहा है आपको, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। मैं 4-5 ट्रिक बताऊँ वजन बढ़ाने की। हाँ मैम, आप वेट लूज कर रही हो? बिल्कुल कर रही हूँ मैं। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो मैं बिल्कुल बढ़ाने की मैं ट्रिक बता सकती हूँ, लेकिन वजन घटाने की ट्रिक बहुत गंदी होते हैं। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वही जल्दी से आइए जोश के साथ। और अब रेगुलर मैं क्लास लूंगी 3-4 दिन। फिजिक्स की थोड़ा सा होगी ना, फिजिक्स तो कल हुई थी ना। हाँ, कल मेरी होगी, आज मेरी है, और परसों फिजिक्स लगवाएंगे आपके बैच में, ठीक है। मैम टाइम चेंज हो गया क्या? टाइम तो मैंने आप लोगों को गैप करने के लिए दे दिया, कभी 5 से 6, कभी 6 से 7, ऐसे क्लास लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं। और मैम मैंने भी अपना 2 किलो कम किया, बहुत बढ़िया भैया। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को यार खत्म करते हैं अगले 2-3 क्लास में जल्दी से, है ना। बहुत दिन हो गए हैं इस चैप्टर को। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? माउथ कंप्लीट हो गया था, सलाइवरी ग्लैंड भी कंप्लीट हो गई थी। हम पढ़ रहे थे ईसोफेगस के बारे में। पहला माउथ तो हमने कंप्लीट कर लिया था। 2 नंबर पर हमारा ऑर्गन चल रहा था फूड पाइप। फूड पाइप जिसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ईसोफेगस फूड पाइप। और हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन नलिका या आहार नलिका, एक ही बात है। भोजन वाली नली जो भोजन को कहाँ ट्रांसफर करती है, याद है आपको? मैंने कहा था कि ऐसे आपके माउथ का जितना भी फूड होता है, ओ क्या बन रहा है आज, किसका मुंह बन रहा है? अगर मैंने आपको बताया था कि माउथ में जितना भी आपका फूड होता है, वो सारा का सारा फूड ऐसे आता है और जिस पाइप के अंदर जाता है उसी पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। माउथ से जितना भी खाना आया है और वो जिस पाइप के अंदर जा रहा है उस पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। कहाँ लेकर जाती है? तो ये आपके स्टमक में, आपके पेट में खाने को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में मैंने कहा था इस ईसोफेगस की अगर लेंथ पूछ ले आपसे कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की होती है। फिर मैंने कहा था कि अगली क्लास में मैं ये बताऊंगी कि इसका काम होता है माउथ से आपके मुंह में जो भी खाना था, जिसका डाइजेशन हो चुका है या जिसका नहीं हो चुका है, वो सारा खाना इससे होता हुआ कहाँ आता है? स्टमक
में आता है। ये एक पाइप है और ये पाइप क्या करती है, जितना भी फूड आपके माउथ से आया है उस सारे को स्टमक में ट्रांसफर करने का, पेट में ट्रांसफर करने का काम करती है। लेकिन कैसे ट्रांसफर होता है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये कहा था कि वो कैसे ट्रांसफर होता है मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों एक्चुअली यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि किस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा माउथ का फूड जो है वो आपके स्टमक में, पेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। उसे क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्सिस, और हिंदी में कहा जाता है क्रमाकुंचन प्रक्रिया, क्रमाकुंचन प्रक्रिया। अब ये पेरिस्टाल्सिस क्या होता है जो मुझे अभी बताना है वो सुनिएगा जरा। हाँ, कैसे आता है पेरिस्टाल्सिस? मूवमेंट के थ्रू। बच्चों होता क्या है, मान लो जैसे ये एक पाइप है, ऐसे ही आपके गले में ये पाइप है 25 सेंटीमीटर का। इसमें क्या होता है, यहां से थोड़ा सा, मतलब मान लो यहां खाना आया इस पाइप के सबसे पहले वाले किनारे पे आया, तो इस पाइप के अंदर यहां पर लगी हुई होती है मसल्स। अंदर की तरफ, इस अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है ना इस फूड पाइप के अंदर, यहां होती है मसल्स की लाइनिंग, मांसपेशियां यहां लगी हुई होती है। आपकी मसल्स, मांसपेशियां लगी हुई होती हैं, और मांसपेशियों की एक प्रॉपर्टी होती है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती हैं। एक बार मसल्स ऐसे अंदर की तरफ खिंचती हैं, फिर वापस ऐसे होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती हैं और फिर रिलैक्स करती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं। तो जैसे ही खाना इस हिस्से पे आया तो यहाँ की मसल्स हैं वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये जो खाना है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा। फिर ये मसल्स तो रिलैक्स करेंगी, यहां वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यहां वाली सिकुड़ेंगी तो ये खाना और नीचे आएगा। फिर ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, यहां की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये खाना और नीचे आएगा। फिर ये मसल्स रिलैक्स करेंगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहां आ जाएगा। इस तरीके से करते 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 सारा खाना कहां आ जाएगा? आपके स्टमक में, आपके पेट में आ गया। तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, इनके सिकुड़न और स्थिलन से, एक बार सिकुड़ती है एक बार रिलैक्स करती है, तो सारा का सारा कहां खाना पहुंच जाता है? हमारे पेट में पहुंच जाता है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसे क्रमाकुंचन, इसे पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा कि फूड पाइप के अंदर जो फूड होता है वो सारा का सारा किस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू आपके पेट में पहुंचता है? तो आप क्या बताओगे? वो पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा सारा का सारा खाना जो मुंह से आया है वो पेट में पहुंच जाता है। क्योंकि मसल्स होती है यहां पर, ये मांसपेशियों की लाइनिंग है, मसल्स की लाइनिंग होती है, मांसपेशियों की परत होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। किस तरीके से, मैं आपको बताऊं, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक पाइप लिया होगा, उस पाइप के अंदर एक छल्ला डाला होगा, एक अंगूठी डाली होगी, कुछ भी एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर डाली होगी, तो उस पाइप को आपने पीछे से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, आगे से ऐसे फूला होगा, वो छल्ला आगे आता है, फिर और आपने पीछे से उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा, फिर उसको रिलैक्स करवाया, वो छल्ला आगे आगे ऐसे करके आपने बचपन में खेल खेलते होंगे हम, कि एक किनारे से एक छल्ला डाल के दूसरे किनारे से निकाल लेते थे। इसी तरीके से हमारे फूड पाइप में सारा का सारा जो खाना है वो पेट तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को, इसे पेरिस्टाल्सिस, इसे क्रमाकुंचन कहा जाता है। नोट्स में गलती से वो प्रिंट होने में मिस्टेक हुई है, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ, 5 सेंटीमीटर नहीं, वो 25 सेंटीमीटर का लंबा एक पाइप होता है। कौन सा? जो आपका फूड पाइप है, भोजन नली है, उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ये बात याद रखिएगा, है ना। बचपन में किया होगा ना ऐसा, एक पाइप के किनारे पे एक छल्ला डाल के आगे से पिंच करके फिर रिलैक्स करवा के ऐसे दूसरे किनारे पे आपने छल्ला डाला होगा। इसी प्रकार की प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका एग्जाम में। दूसरा, आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप बात ना करें, ना ही तो आप ज्यादा हंसे, ना जोर से बोले, ना
ज्यादा बात करना चाहिए, आराम से आपको खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। अब क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग ऐसी बात, क्योंकि अगर आप खाना खाते समय ज्यादा जोर से बोल गए, ज्यादा जोर से हंस गए, तो जो खाना आपके फूड पाइप में जाना था वो खाना आपके विंड पाइप में चला जाता है। विंड पाइप मतलब जो हवा को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है, और विंड पाइप का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं जिससे हमारे बॉडी में एयर नहीं आ पाती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं आ पाता है, और आपको हार्ट अटैक आ जाता है उस समय, और आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, और आपको उस समय आपकी डेथ हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों, तो मैं इसका रीजन बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, आपके गले में दो पाइप होती है बच्चों, एक तो है आपकी फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। ये हो गया आपका विंड पाइप, ये हो गया आपका फूड पाइप। मान लो ये हो गया विंड पाइप। विंड पाइप का नाम होता है वायु नलिका, या इसे साइंस में ट्रैकिया कहते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। और इधर वाली को कहते हैं फूड पाइप, भोजन नली का। एक भोजन वाली नली हो गई जो भोजन को लेकर जा रही है पेट तक, और जो विंड पाइप है ना, इसमें एयर आती है, ऐसे एयर, एयर बोले तो ऑक्सीजन, एयर के अंदर ऑक्सीजन आता है, और वो कहां लेकर जाती है, वो हमारे लंग्स फेफड़ों तक लेकर जाती है एयर को। लेकिन अब क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूं कि यहां से ऐसे फूड आ रहा था आपका फूड पाइप में, तो इस विंड पाइप के ऊपर एक ऐसे हल्की सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ऐसे मसल्स की एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। इसे क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस, हिंदी में कहा जाता है घाटी का ढक्कन। एक ढक्कन होता है ना, जैसे हमारे घरों में ढक्कन होता है, है ना, या इसी का दूसरा नाम होता है स्विच, बटन, इसे बटन भी बोलते हैं। हमारे घरों में बटन होता है, आप ऑन ऑफ कर देते हो उसे। ऐसे ही एक पतली सी मसल्स की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस, घाटी का ढक्कन। एक्चुअली ये ऐसे होता है फ्लैप, ये ऐसा कर रहा होता है सारा दिन, ऐसे 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 खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। लेकिन जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, तो उस समय ये ज्यादा कवर कर लेता है विंड पाइप को, ताकि आपके खाने के मॉलिक्यूल इधर ना जाएं। लेकिन कभी कभी आप जोर से खांस दिए, जोर से हंस दिए, जोर से बोल दिया, आपने किसी के ऊपर चिल्ला दिया, तो अगर आप चावल, स्पेशली जो लोग चावल खाते हैं ना, उनके लिए ज्यादा ये डेंजर सिचुएशन होती है। तो चावल वावल आ रहा था पीछे से माउथ से, तो ये चावल वगैरह ये ऐसे आ रहे थे, लेकिन अगर आप जोर से बोले से ऐसे, है ना, बहुत चिल्ला के बोले, बहुत जोर से हंस दिए, तो यहां पर इस मेम्ब्रेन के ऊपर हल्का सा प्रेशर क्रिएट होता है, और ये मेम्ब्रेन इधर खिसक जाती है, ये एपिग्लोटिस इधर खिसक जाता है, और ये चावल के दाने यहां से होते हुए यहां चले जाते हैं बेटा, और यहां गए चावल के दाने, यहां फंस गए बेटा, ऐसे ऐसे चावल के दाने फंस जाएंगे। और यहां जैसे ही राइस के दाने जो हैं वो फंस गए, तो आपकी विंड पाइप ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल ब्लॉक। और जब ब्लॉक हो गई तो क्या नहीं आएगी, इसमें एयर नहीं आएगी, एयर का मतलब हवा, और हवा में क्या नहीं आएगा, ऑक्सीजन, और हमारे फेफड़ों तक क्या नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और आपके बॉडी के अंदर सारा का सारा क्या हो जाता है, आप बताओगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको हार्ट अटैक, आपके फेफड़े फेल हो जाते हैं, और इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अगर उस समय कोई घर में आपको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने वाला नहीं है, तो आपको हार्ट अटैक जैसी भी बीमारी हो सकती है उस समय, और आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय ना किसी से ज्यादा बात करनी चाहिए, ना हंसना चाहिए, आराम से अपना खाना खाइए, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करिए, खाना खाकर बात करें। इंडिया में हर साल, बिहार जैसे ऐसे स्टेट जहां पर चावल ज्यादा खाते हैं लोग, तो हर साल इससे बहुत सारे लोग मरते भी हैं। पता है आपको, हमारे एक रिश्तेदार थे, वो यूएसए में रहते थे, है ना, दूर के रिश्तेदार थे, अकेले रहते थे वहां पर, और उनकी इसी से डेथ भी हुई है, इसी बीमारी से, आज से 4-5 साल पहले। अब वो अकेले रहते थे वहां पर, कोई संभालने वाला था नहीं, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे अपने क्लाइंट वगैरह से, तो गुस्सा हो गए होंगे उस समय, तो बहुत जोर से बोल दिया, और राइस खा रहे थे, और उनका राइस विंड पाइप में फंस गया, और उनकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई थी। तो याद रखिएगा, वो देखो डीके पटेल कह रहे हैं, मैम मेरे रिलेशन में ऐसा हुआ है, मैंने भी कहा, मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसा हुआ है, ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है किसी के साथ आपके घर में, तो आप क्या करो, जोर से उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे हेड डाउन करवाना, सर नीचे करना, और यहां पर ऐसे थप्पी मारना जोर जोर से, अगर ऐसा हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, तो ऐसे जोर से थप्पियां मारना बहुत ज्यादा, और उसको बोलना लंबी लंबी सांसें ले, और उसे पानी पिलाना,
तो हो सकता है वो बच भी जाए, लेकिन उस समय आपके पास कोई होना चाहिए इंसान, नहीं होगा तो फिर इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एपिग्लोटिस क्या होता है, तो एपिग्लोटिस एक कैप होता है, एक ढक्कन होता है, जो कि जब आप खाना खाते हो तो आपकी विंड पाइप को प्रॉपर तरीके से कवर कर लेता है, ताकि उसके अंदर कोई भी अनाज का दाना ना जाए, क्योंकि अनाज का दाना गया तो आपका विंड पाइप, आपकी वायु नलिका ब्लॉक हो सकती है और आपकी वहां पर ऑन द स्पॉट आपकी डेथ, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे एपिग्लोटिस कहा जाता है, घाटी का ढक्कन कहा जाता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा एक कैप है जो कि खाना खाते समय हमारी विंड पाइप को पूरा कवर कर लेता है। एक्चुअली ये ऐसे करता रहता है कैप, ऐसे ऐसे, ताकि एयर आए ना, अगर पूरा बंद हो जाएगा तो एयर कैसे आ पाएगी, तो इस तरीके से ऐसा करता है। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो कुछ ऐसा सा हो जाता है, ऐसा सा हो जाता है, तो इतनी जगह तो अभी भी है ना, तो यहां से खाने के दाने यहां पर आ जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना, दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहां से, एक तो विंड पाइप की लेंथ, फूड पाइप की लेंथ पूछ सकता है, दूसरा किस प्रोसेस के थ्रू खाना पेट में पहुंचता है, और तीसरा आप बताओगे बेटा कि एपिग्लोटिस से क्वेश्चन बन सकता है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन फूड पाइप से नहीं बनता है। तो आपका एपिग्लोटिस इधर रह गया, और यहां से अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो इस हिस्से से होता हुआ खाना आपके पेट तक पहुंच जाता है। तो अब सारा का सारा खाना कहां आ चुका है आपका, ऐसे होता हुआ आपके स्टमक में आ चुका है, आपके पेट में आ चुका है। तो पहला ऑर्गन माउथ था, माउथ के बाद दूसरा आपने ईसोफेगस पढ़ा, और आपको एक बात बता दूं, ईसोफेगस में कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम के उस ऑर्गन का नाम बताओ जिसमें बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, बेटा ईसोफेगस का एक ही काम है, इस खाने को नीचे की तरफ ट्रांसफर करना पेट में, बाकी यहां पर डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहां पर कोई एंजाइम ही नहीं बनते हैं, और बिना एंजाइम के तो कभी भी डाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए सारा खाना आपके पेट में आ गया। अब पेट में क्या होता है, तो बच्चों जैसे ही आपने खाना खाया और वो पेट में पहुंचा, अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहता है आपके पेट के अंदर, 1.5 से 2 घंटे आपका खाना एज इट इज पड़ा रहता है, और उसके बाद क्या होता है स्टमक में, तो लिखेंगे उसके बाद स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको जाननी है। अमाशय, या इसे हिंदी में जठर लिखोगे, पेट तो आप जानती हो, पेट बोलते हैं स्टमक को। अब जैसे ही आपके स्टमक में खाना आया, ऐसे आ गया आपका पीछे से, तो सारा का सारा खाना 1.5 से 2 घंटे तक तो ऐसे ही पड़ा रहता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो स्टमक है उसका शेप किस लेटर के जैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो ये जे शेप का होता है, कुछ ऐसा सा होता है आपका स्टमक, ऐसे ऐसे आप जे बनाते हो ना, तो कुछ ऐसा सा होता है, तो जे आकार का होता है। 1.5 से 2 घंटे खाना ऐसा का ऐसा पड़ा है आपके स्टमक में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने घंटे के लिए खाना हमारे पेट में रहता है, 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। अब आप कहोगे मैम आप तो कह रही है 1 से 1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटे तो एज इट इज पड़ा है, कुछ नहीं होगा, और बाद में 1 से 1.5 घंटा डाइजेशन होने में भी लग जाते हैं, बाद में यहां से एंजाइम निकलते हैं और वो उसको जो भी खाना आया है उसको पचाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि 1 से 1.5 घंटे तो ऐसा ही पड़ा है खाना, उसके बाद पेट में आपका क्या होता है डाइजेशन स्टार्ट होता है, और डाइजेशन होने तक टोटल आपके पेट में 3 से 4 घंटे तक खाना पड़ा रहता है, 3 से 4 घंटे तक आपके पेट में खाना रहता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कैसे आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस ऑर्गन में सबसे अधिक समय के लिए खाना पड़ा रहता है, तो बताओगे पेट में, पेट में पड़ा हुआ होता है बेटा 3-4 घंटे तक। अब बात करते हैं, पेट जो होता है ना वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, आपके स्टमक के 3 हिस्से होते हैं, स्टमक पेट के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर से फूड पाइप है, फूड पाइप से तो खाना आया है, ये क्या है आपका, ये ऐसे आपका फूड पाइप से आपका खाना आ रहा, तो फूड पाइप से जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है कार्डिया। ये हमारे पेट का कौन सा पार्ट है आप बताओगे, इसे कार्डिया कहा जाता है। तो स्टमक का पहला पार्ट कहलाता है कार्डिया, कार्डिया।
और फिर ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है फंडस। ये हमारे पेट का कौन सा हिस्सा माना जाता है? फंडस हिस्सा माना जाता है। जो आपका आगे निकलता है ना पेट, वो फंडस ही निकलता है। और फिर यहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है पाइलोरिस। इसे पाइलोरिस कहा जाता है, पाइलोरिस लिखेगा, इसे कहा जाता है पाइलोरिस। और बच्चों यहां पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट जहां पे खत्म हो रहा है, यहां पर एक वाल्व होता है, ऐसे ऐसे एक वाल्व होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैम पेट का खाना सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों नहीं चला जाता? अरे भाई साहब, पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वाल्व होता है। वाल्व का मतलब होता है कपाट, दरवाजा। जैसे दरवाजा बंद कर दिया तो कोई बाहर नहीं जा सकता, ऐसे ही जैसे ही पेट में खाना आ जाता है तो तुरंत ये वाल्व यहां पर है, इसकी क्लोजिंग हो जाती है, ये बंद हो जाता है। और इस वाल्व को क्या कहा जाता है बेटा? इस वाल्व को कहा जाता है, आप बताओगे, इसे पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। इसे पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है, पाइलोरिक वाल्व। हिंदी में बोलते हैं पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, दरवाजा, है ना? वैसे ही इसे कहा जाता है पाइलोरिक वॉल्व, इसे पाइलोरिक वॉल्व कहा जाता है। तो हमारा पेट कुछ तीन हिस्सों में इस तरीके से बटा हुआ होता है, कुछ ये कार्डिया, ये वाला पेट फंडस, ये वाला पाइलोरिक। जैसे ही पेट में खाना आया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा ना चला जाए, इसलिए ये पाइलोरिक वॉल्व बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ये दरवाजा है, बंद हो गया तो खाना नीचे की तरफ जाएगा नहीं। अब क्या होगा कि एक डेढ़ घंटे तक यहां पर खाना पड़ा है तो अब आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा स्टमक के पास। ब्रेन अपने न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा पेट के पास और बोलेगा पेट अब तुम अपने एंजाइम बनाओ। और एंजाइम बनाने का मतलब है तुम अपना जूस बनाकर खाने के अंदर डाल दो। किसे बोलेगा? स्टमक को। तो पेट में अंदर की तरफ यहां पर कुछ होती हैं लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब होता है परत, ऐसे परत होती हैं। और इन परतों के अंदर होती हैं ऐसी सेल्स जो जूस बनाती हैं। कौन सा जूस? तो आप बताओगे, स्टमक के अंदर बनता है गैस्ट्रिक जूस। यहां पर जो लाइनिंग होती है, इन लाइनिंग के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। तो बच्चों एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पेट के किस हिस्से में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। विपुल कुमार कह रहे हैं कि मैम पाइलोरिक वॉल्व का काम क्या होता है? बेटा अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो पेट में खाना ठहरेगा ही नहीं, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में चला जाएगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, जब आप खाने के साथ खाना, जैसे आप, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाते समय पानी पीते हैं, खाना खाते ही तुरंत पानी पीते हैं, तो क्या होगा कि उस ये जो है ना, ये पाइलोरिक वॉल्व, इसके अंदर से अगर बहुत ज्यादा पानी वानी अगर आप पी लेते हो खाना खाते ही, तो ये पाइलोरिक वॉल्व डैमेज भी हो सकता है आपका, ये खराब भी होने लग जाता है एक साथ खाना खाने और पानी के साथ। और एक खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि एंजाइम का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ बीमारियां भी पनप जाती हैं। ठीक है, तो पाइलोरिक वॉल्व का काम होता है बेटा, अगर ये वॉल्व नहीं होगा तो ये खाना नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा सीधा का सीधा, पेट में रुकेगा ही नहीं, और पेट में रुकेगा नहीं तो पेट में डाइजेशन भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि हमारे पेट में अंदर की तरफ ऐसे लाइनिंग होती है, एक परत होती है, जिसके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो जूस बनाती हैं। उन सारी की सारी लाइनिंग के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां होती हैं, तो आप क्या बता दोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां होती है? गैस कहां होता है आपको? आपको गैस पेट में ही तो होता है, सिर में थोड़ी होता है, है ना? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां होती हैं? पेट में होती हैं, जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जैसे ही इन्हें ब्रेन सिग्नल देता है एक डेढ़ घंटे के बाद, तो ये लगातार बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस। ये क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है जठर रस। तो एग्जाम में या तो पूछेगा कि जठर रस कहां बनता है या जठर ग्रंथियां कहां होती हैं। तो इस तरीके से आपको
मैम खाना खाते समय पानी नहीं नहीं पीने पर कुछ भी तो आने लगती है, कुछ आने क्या आने लग जाती है, कुछ क्या बोल रहे हैं आप नीरज, मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत पानी पी भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना मैम। पेट खराब होता है तो पेट में खाना 2-3 घंटे तक, अरे बताएंगे आगे, वो डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, दस्त लगता है, तो वो अलग बात होती है, बताएंगे उसको आगे, ठीक है। तो पेट के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां बोलते हैं, और जठर ग्रंथियां क्या बनाती हैं, एक जूस बनाती हैं जिसे आप गैस्ट्रिक जूस या जठर रस कहते हैं। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, पानी होता है, लेकिन मेन यहां पर एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम, है ना, मेन हम एंजाइम की बात करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जहां से गैस्ट्रिक जूस बनता है, तो इस गैस्ट्रिक जूस को बनाने के लिए 2 टाइप की सेल्स होती हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कह रहे हिचकी क्यों आती है, आगे बताएंगे। पहली होती है ऑक्सेंटिक सेल्स, हमारे पेट में 2 टाइप की सेल्स होती है, ऑक्सेंटिक सेल्स बोलो या पेराइटल सेल्स बोलो, इन्हें ऑक्सेंटिक सेल्स बोलो या इन्हें हम पेराइटल सेल्स बोलते हैं। और दूसरी होती है बेटा चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स, हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है, सेम नाम होते हैं हिंदी में, तो लिखिएगा जरा, इसे हिंदी में बोलेंगे ऑक्सेंटिक सेल्स, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। पेट में जो जठर ग्रंथियां होती हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, और चीफ सेल्स को बोलते हैं मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं, मुख्य लिखो या पेप्टिक कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये 2 टाइप की सेल्स हैं आपके पेट के अंदर। अब ये दोनों सेल्स अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग अलग चीजें ही बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या, तो ये ऑक्सेंटिक सेल्स क्या बनाती हैं बेटा, ये एक एसिड बनाती हैं, ये एक अम्ल बनाती हैं, और उस अम्ल का नाम आप सब जानते हो। ये क्या बनाती हैं, ये एक एसिड बनाती हैं, कौन सा एसिड बनाती हैं, उसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे कहा जाता है पेट वाली एसिड, क्योंकि ये पेट के अंदर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमारी पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती है ऑक्सेंटिक सेल्स, उन्हीं का दूसरा नाम होता है पेराइटल सेल्स, एक दूसरी होती है चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ऑक्सेंटिक सेल्स ने बना दिया एक एसिड, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो सेल्स है ये 2 टाइप के एंजाइम बनाती हैं। पहला एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम, पहला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम, दूसरा कौन सा एंजाइम, रेनिन। ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम हैं, तो इन्हें लिखिएगा, ये दोनों क्या है, एंजाइम। अब सुनो क्या, HCl, यहां से HCl आ रहा है, HCl प्लस ये दोनों एंजाइम और कुछ मात्रा में क्या होता है, पानी वगैरह होता है, और कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसे आप म्यूकस या स्लेस्मा कहते हो, इन सारी चीज का जो मिक्सर बन गया है इसी को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। इन सारी चीजों का जो मिक्सर बना है इसी को तो हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, श्लेष्मा को इंग्लिश में बेटा म्यूकस कहते हैं, म्यूकस मैंने पढ़ाया है पीछे, कि इन सारी चीजों के मिक्सर को, एक एसिड हो गया, 2 एंजाइम हो गए, पेप्सिन, रेनिन, कुछ मात्रा में पानी, और श्लेष्मा म्यूकस जो चिपचिपा पदार्थ है, जो आप, ये अगर चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा ना तो आप जो खाना खाते हो ना वो अंदर पेट में ऐसे चिपकने लग जाएगा पेट की दीवारों के साथ, और सोचिए आप फिर तो पेट की दीवारों के अंदर ही अंदर पेंटिंग होती जाएगी और बहुत सारा खाना चिपक जाएगा। तो याद रखिएगा ये चिपचिपाहट जरूरी है खाने में, जो हमारे लार से भी कुछ जाता है चिपचिपाहट अंदर आपके पेट के अंदर जाता है, ये हमारा खाना कहीं पर भी डाइजेस्टिव ट्रैक में खाने को चिपकने नहीं देता है, ये म्यूकस, ये श्लेष्मा, इन सारी चीजों के मिक्सर को ही तो हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस बोलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि
दो ही क्वेश्चन ज्यादा मेन है एग्जाम में, सुनिए क्या क्या। पहला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड है, कौन सा एसिड? HCl। दूसरा क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन एंजाइम एंड रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम एंड रेनिन एंजाइम। तो इस बात को यहां तक याद रखिए। अब हमें इस HCl के बारे में पढ़ना है, क्या करता है ये एसिड हमारे पेट में, फिर ये दो एंजाइम क्या काम करते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये गैस्ट्रिक जूस बनाया, पेट ने बनाया, बनाकर जो खाना आया पीछे से उसके अंदर डाल दिया गैस्ट्रिक जूस। अब ये खाना हो गया इस जूस के साथ मिक्स, कौन से जूस के साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स। और उस खाने के अंदर आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, सब कुछ है। तो सबसे पहले ये HCl क्या करेगा, ये HCl उस खाने में ऐसे ढूंढेगा कि भैया बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं आया है, बाहर से खाने के अंदर कोई जर्म्स तो नहीं आ गए, कोई कीटाणु तो नहीं आ गए। खाना खाने से पहले आप हैंड वॉश नहीं करोगे तो आपके हाथों में कीटाणु विटाणु लगे हुए होते हैं और वही कीटाणु आपके खाने से होते हुए आपके पेट तक पहुंच जाते हैं। तो ये एसिड सबसे पहले तो ढूंढेगा, किसे ढूंढेगा कि भैया अगर बाहर से कोई जर्म्स आए हैं, कोई जर्म्स आए हैं या कोई माइक्रोब्स आए हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह, आपने कोई कीटाणु कोई जीवाणु खाया है खाने के साथ, उसे मारेगा, कीटाणु जीवाणु को मारेगा, क्या करेगा, उसे मार देगा। सबसे पहला काम तो इसका काम क्या होता है, टू किल जर्म्स या टू किल बैक्टीरियाज या टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर आपने कोई खाने के साथ खाया है तो पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम इसी एसिड की वजह से होती है आपको एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है अम्लता, अम्लता एसिड। आप जानते हैं बेटा, आपने इतना केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बस ध्यान से सुन लीजिए, एसिड की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है ना। आपके पेट के अंदर एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये सही मात्रा में बन रहा है तब तो भैया, मतलब जितना इंसान के अंदर बनना चाहिए उतना बन रहा है, तब तो ठीक है कि चलो ठीक है, आपको आपका भी पेट ठीक है, मेरा भी पेट ठीक है, सबका पेट ठीक है। लेकिन मान लो आप अपने दोस्त की शादी में गए, वहाँ अच्छा अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना हुआ है और आपका कंट्रोल नहीं हुआ, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आपकी ओवर ईटिंग हो गई, या आप क्या करते हो बाजार का खाना ज्यादा खाते हो जो स्पाइसी ज्यादा होता है, या आप ये पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा खाते हो, मैदा, मैदा समझते हो ना, मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, इनसे बहुत जल्दी गैस हो जाता है। तो क्या होता है कि जब कभी भी आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, बहुत स्पाइसी बहुत मसालेदार खाना खा लेते हो, या आप क्या करते हो मैदे वगैरह की, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर पिज्जा, ये सब हैवी चीजें होती हैं, अगर इनको आपने ज्यादा मात्रा में खा लिया है तो जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आपको ये HCl सिक्रीट होगा आपके बॉडी में। जितना ज्यादा ये चीजें खा लोगे आप उतना ज्यादा क्या होगा, आपके पेट में ये एसिड थोड़ा सा ज्यादा बनने लग जाएगा, और जितना ज्यादा एसिड होगा आपके पेट का पीएच वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि एसिड ज्यादा होने पर, मतलब एसिडिक मीडियम ज्यादा होने पर पीएच वैल्यू कम होता है, और जितना कम पीएच वैल्यू होगा आपके पेट में जलन पैदा होगी, क्योंकि आप जानते हैं एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन बर्न, उनको जलाने की, वो बर्न जला देते हैं, वो क्या करते हैं, जलाने का काम करते हैं। पढ़ा होगा आपने, पांचवी क्लास में पढ़ा होगा कि एसिड कैन बर्न द प्लेस, वो किसी भी स्थान को जला देते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खाया तो ये एसिड थोड़ा सा ज्यादा बनने लग जाएगा, और ज्यादा बनेगा आपके पेट में जलन सी होगी, आप बोलोगे मुझे क्या हो गया यार, मुझे एसिडिटी हो गई है, मुझे क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है। फिर आप क्या करोगे, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, पहले ये सुन लो कि हमारे पेट में एसिडिटी किस एसिड की वजह से होती है, HCl की वजह से। हमारे पेट में HCl की वजह से आपको एसिडिटी होता है, अम्लता होता है, जिसके कारण आपको जलन होती है और थोड़ा सा आपको खट्टी खट्टी सी डकारे सी आने लग जाती हैं। अब फिर आप क्या करते हो, फिर बेटा आप खाते हो इनो वगैरह, जब आपको एसिडिटी होती है आप इनो खाते हो, या आप क्या खाते हो, एक टैबलेट आती है डाइजीन, बड़ी कॉमन सी टैबलेट होती है, ये इनो और डाइजीन
ये खाते हो आप इनो को पानी में घोल के पी लेते हो, तुरंत 6 सेकंड में असर हो जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत लेट असर करता है, 6 सेकंड तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे एक डाइजीन एक टैबलेट आती है, और ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टी होती है एंटा एसिड। एंटा एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, जो आपकी एसिडिटी को खत्म कर दें उन्हें एंटा एसिड बोलते हैं, उन्हें प्रति अम्ल बोलते हैं। और ये एंटा एसिड किस तरीके से एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, तो बच्चों इनके अंदर होता है एक बेस, इनके अंदर होता है एक क्षार। कौन सा क्षार होता है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षार है, ये एक बेसिक प्रकृति का यहां पर सॉल्यूशन है, क्षार है ये। और जैसे ही आपने पिया इसे क्षार को, तो ये क्षार जाता है और रिएक्शन कर देता है HCl के साथ, ये जुड़ेगा HCl के साथ, तो HCl प्लस MgOH2 ये दोनों जुड़ते हैं। ये एक एसिड है, अम्ल है, और ये एक बेस है, एक क्षार है। और आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि जब एक एसिड एक बेस के साथ मिलता है तो वहां पर उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, और वहां पर बनता है सॉल्ट और पानी। तो यहां से क्या होगा, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये Mg जो है वो इस Cl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना देता है, और MgCl2 एक सॉल्ट है, नमक है, और ये पानी बन गया। तो अब देखो आपके पेट में एसिड था, इसी एसिड की वजह से आपको एसिडिटी हो रही थी, लेकिन आपने इनो पिया, डाइजीन खाया, तो आपने बेस लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, और ये बेस है, क्षार है, तो इस क्षार ने इस एसिड के प्रभाव को कम कर दिया, क्योंकि यहां सोल्ट बन गया, और जैसे ही ये नमक और पानी बनेगा आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, आपकी पेट में जो जलन है वो जलन ठीक हो जाएगी। इसीलिए इन्हें एंटा एसिड बोलते हैं, इन्हें प्रति अम्ल बोलते हैं, जो एसिडिटी को खत्म करे वो एंटा एसिड कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको इनो और डाइजिन खाने से आपको आराम मिल जाता है एसिडिटी से, ठीक है। तो एग्जाम का क्वेश्चन कि हमारे पेट में बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने का काम कौन करता है, एक एसिड, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा, क्लास सही चल रही है ना, एक बच्चा कह रहा है ब्लैक हो गया है स्क्रीन, क्या हो गया, क्लास सही चल रही है, एक बच्चा कह रहा है कि स्क्रीन ब्लैक हो गई है, क्लास तो सही है यार, आपकी स्क्रीन ब्लैक हुई तो आप देखिए ना, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आपका डकार क्यों आती है बताएंगे, रुको तो सही यार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो किस एसिड के कारण आपको एसिडिटी होती है, HCl। बेटा दो काम तो इसके ये हो गए, दो काम तो ये हो गए, लेकिन इसके अलावा जो तीसरा काम है, भगवान ने हमें क्यों दिया ये HCl, तीसरा काम क्या है, अब आप बताओगे बेटा तीसरा काम क्या होता है। तो तीसरा काम होता है यहां पर इस HCl का जो मेन काम है वो ये है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम, इट एक्टिवेट्स एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है बेटा, ये एंजाइम्स जो होते हैं आपके पेट के अंदर उन्हें एक्टिवेट करता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हमारे पेट में दो एंजाइम होते हैं, पहला है पेप्सिन और दूसरा कौन सा है, रेनिन, बताया ना मैंने कि ये दो एंजाइम है, ठीक है। पिंकी का कहना है, आप ही ब्लॉग आंसर कर देना पिंकी जी के क्वेश्चन का, पिंकी जी का कहना है कि मैम हम सॉल्ट भी तो खा सकते हैं एसिडिटी होती है तब, तो पिंकी जी मेरी एक बात सुनो, सॉल्ट खा लोगे, सॉल्ट बनाओगे तभी तो आपका एसिडिक मीडियम है वो कम होगा, आप सॉल्ट बाहर से खा लोगे तो एसिड तो वैसे ही रहेगा ना, है ना, सॉल्ट बनाना है बाहर से नहीं खाना है, समझ गए मेरी बात, कि कौन कौन से एंजाइम, एक पेप्सिन और एक रेनिन एंजाइम, ये दो एंजाइम होते हैं, रेनिन में डबल एन कर लेना, सिंगल एन मत करना, ठीक है, सिंगल एन करोगे तो वो किडनी बनाती है एंजाइम रेनिन, दो होते हैं, सुन लेना ध्यान से, मैंने ऊपर डबल एन लिखा है कि नहीं लिखा है, डबल एन कर लेना, देखो एक होता है रेनिन, RENIN, ये बनाता है किडनी, ये हमारे गुर्दों से बनता है एंजाइम,
एक होता है RENIN, हिंदी तो सेम है, आपको हिंदी में तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है, रेनिन, ये बनता है हमारे पेट द्वारा, तो यहां पर डबल एन करना है, ऊपर भी मैंने शायद डबल एन लिखा ना, नहीं लिखा देख लेना ठीक है। तो ये है बेटा, आप बताओ कि रेनिन। तो मैंने कहा कि इस HCL का मेन फंक्शन क्या है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये जो पेप्सिन और रेनिन आप दो एंजाइम देख रहे हो ना, ये एंजाइम अभी एक्टिव हुए कैसे, इसको सुनना। ये पेप्सिन पहले किस फॉर्म में होता है, जब तक इसे HCL नहीं मिला तब से ये पेप्सिन होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिन पहले से होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में जब तक उसे HCL नहीं मिलता है, और रेनिन होता है प्रोरेनिन की फॉर्म में, प्रोरेनिन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन प्रोरेनिन ये दोनों क्या है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म है, ये नॉन एक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिवेट नहीं है, एंजाइम तो है लेकिन ये काम करने लायक नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, मेरा फेसबुक अकाउंट मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, अकाउंट तो है लेकिन मैं उसको काम में नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही हमारे पेट में दो एंजाइम तो निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, लेकिन बेटा ये पहले से डीएक्टिवेटेड होते हैं, ये एक्टिव नहीं है। अगर इन्हें इनसे काम करवाना है, इनसे करवाना है, तो पहले इसे एक्टिवेट करो, और ये कहते हैं हम तब एक्टिव होंगे जब हमारे पास क्या आएगा, HCL आएगा। ये कहेगा कि हम तब एक्टिव होंगे जब हमारे पास HCL आएगा। और जैसे पेप्सिनोजन को क्या मिलता है बेटा, HCL मिलता है, HCL बोले तो इसे कैसा मीडियम मिल गया, एसिडिक मीडियम मिल गया, इसे अम्लीय माध्यम मिल गया, और यह पेप्सिनोजन HCL की प्रेजेंस में पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन है एक्टिव फॉर्म किसकी, पेप्सिनोजन की। दूसरा, यह जो प्रोरेनिन है, इसको आपने जैसे ही HCL दिया, इसे अम्लीय माध्यम दे दिया, HCL की उपस्थिति में ये प्रोरेनिन डीएक्टिवेटेड था, ये एक्टिव नहीं था, और जैसे ही इसको HCL मिला तो क्या मिल गया, रेनिन की फॉर्म में बदल गया, ये रेनिन एक्टिव है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि हमारे पेट में जो दो एंजाइम थे, कौन कौन से, पेप्सिनोजन प्रोरेनिन, ये दोनों डीएक्टिवेटेड फॉर्म में थे तो सही, लेकिन ये पाचन नहीं करवा सकते थे, ये डाइजेशन नहीं करवा सकते थे, तो इनको एक्टिव करवाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम, बोले तो इन्हें एक एसिड चाहिए, कौन सा एसिड, HCl, और जैसे ही इन दोनों को HCl मिलता है तो जो पेप्सिनोजन है वो किसकी फॉर्म में बदल जाता है, पेप्सिन की फॉर्म में, और जो प्रोरेनिन है वो रेनिन की फॉर्म में बदल जाता है। अब ये कहते हैं भैया लाओ खाना, हम पचाएंगे, अब हम हो गए एक्टिव। तो याद रखना, भगवान ने पेट में ये एसिड क्यों दी है, ताकि ये दोनों एंजाइम्स एक्टिवेट हों। डीएक्टिवेट का मतलब होता है बेटा कि जैसे कोई चीज है लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है, उसे डीएक्टिवेट बोलते हैं, उसे अक्रिय बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं अक्रिय। डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है अजीत कुमार, कि कोई चीज है लेकिन वो काम करने लायक नहीं है, इनको एक्टिव करना है, इनको एक्टिवेट करा जैसे ही, तो यहां से पेप्सिन बना, यहां से रेनिन बना, अब ये दोनों हो गए बहुत ज्यादा एक्टिवेट। ये पेप्सिन क्या करेगा, जो आपके पेट से खाना आया था उस खाने में जितनी भी प्रोटीन थी ना बेटा, अब प्रोटीन के लिए आप क्या क्या खाते हो, आप दाल खाते हो, सोयाबीन खाते हो, मशरूम खाते हो, पनीर खाते हो, नॉनवेज खाते हो, मछली खाते हो, इन सब से प्रोटीन मिलता है भरपूर मात्रा में, तो इन सारी चीजों को पकड़ता है। जितना भी आपने प्रोटीन वाले न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, उन सारे के सारे प्रोटीन वाले न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन कर देता है, कौन, आप बताओगे बेटा, पेप्सिन। प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन अटैक करता है, अटैक का मतलब है इसका ब्रेकडाउन करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन को छोटे 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 पार्ट में तोड़ देता है, और वो छोटे छोटे पार्ट क्या कहलाते हैं, या तो पेप्टोन्स क्या कहलाएंगे, या पेप्टाइड कहलाएंगे। प्रोटीन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल था, इसको तोड़ा ऐसे किसने, पेप्सिन एंजाइम ने, और छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, और छोटे कौन से,
पेप्टोन्स और पेप्टाइड में। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है सुन लीजिएगा ध्यान से, ये कमेंट में कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले किस अंग में हुआ, क्या पढ़ रहे हो, स्टमक। क्या इससे पहले कहीं प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन किसने किया, पेप्सिन एंजाइम ने सबसे पहले किया। किस में बदल दिया, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल दिया। लेकिन याद रखना कि ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है, ये पार्शियल डाइजेशन है, ये आंशिक तौर पर है। तो मैम पूरा कहां होगा, पूरा होगा छोटी आंत में आगे। ये आंशिक तौर पे पाचन हुआ है, पूरा नहीं हुआ है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। बस प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया ये मान लो, जैसे कार्बोहाइड्रेट का आधा अधूरा हुआ था कहां, माउथ में, वैसे प्रोटीन का आधा अधूरा हमारे पेट में हो जाता है। और बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना। दूसरा आप बताओगे अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि जितनी भी आपने दूध पी है, आप कुछ लोग होते हैं जो दूध पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं दूध, बच्चे सर्वाधिक मात्रा में पीते हैं दूध, है ना। तो दूध में, दूध के अंदर होती है एक प्रोटीन बच्चों, कौन सी प्रोटीन होती है दूध में, दूध में होती है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन। तो ये भी तो प्रोटीन है, इसका भी तो डाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, दूध के अंदर होती है केसीन प्रोटीन। इस प्रोटीन के ऊपर ध्यान से सुनना, पहले रेनिन एंजाइम अटैक करता है, पहले रेनिन एंजाइम इस केसीन को पैरा केसीन में बदल देता है, किसके अंदर, पैरा केसीन के अंदर। फिर इस पैरा केसीन पर अटैक करता है कौन, ये सेम एंजाइम पेप्सिन। फिर इस पैरा केसीन पर पेप्सिन अटैक करता है और पैरा केसीन को बदल देता है किसमें, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल दिया। तो ये देखो ना, आपने चाहे दूध के, आपने प्रोटीन के लिए चाहे कुछ भी खाया हो या दूध भी पिया हो, उस सारे के सारे प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड की फॉर्म में बदल देता है कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूं सारी चीजें, किसी को भी कोई डाउट है तो बिल्कुल नहीं होगा वो डाउट। अब जरा ध्यान से सुन लेना, क्या माउथ का सारा खाना आपके पेट में आया, बस स्टोरी की तरह सुनना, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ सब भूल जाओ, पेट में आया, एक डेढ़ घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहा, फिर ब्रेन ने कहा ओए पेट अपना गैस्ट्रिक जूस बना, पेट ने कहा ठीक है भाई मैं अपना गैस्ट्रिक जूस बनाता हूं। गैस्ट्रिक जूस किससे बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है, जठर ग्रंथियों से बनता है। अब जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं उनके अंदर, दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सेंटिक, वहां से HCl बना देती हैं, दूसरी तरफ होती है चीप सेल्स, वहां से आपका दो एंजाइम बनाती हैं, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन, दो एंजाइम बनते हैं ठीक है। फिर वो दोनों एंजाइम HCl, पानी, म्यूकस, इन सब के मिक्सर को हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस आपके खाने के अंदर मिक्स हो गया। अब खाने के अंदर होती है प्रोटीन, तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये एसिड क्या करता है, एसिड देखता है भाई प्रोटीन आई है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है। अब डाइजेशन कौन करता है, एंजाइम। तो HCl देखेगा एंजाइम तो हमारे सो रहे हैं बिल्कुल, वो तो काम करने लायक ही नहीं है, तो क्या होगा कि पहले HCl दोनों एंजाइम को जगाएगा, दोनों को एक्टिवेट करेगा, किस किस को, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन को, और HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देगा, प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देगा। और जैसे ही आपका पेप्सिन बना, एक्टिवेट होके आया, पेप्सिन प्रोटीन को चुन चुन के बचाएगा, जो भी आपने खाना खाया है उस प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड की फॉर्म में बदल देता है। प्रोटीन एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, पेप्टोन और पेप्टाइड ऐसे छोटे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मैंने साफ साफ लिख रखा है यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता है ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट तो तब होगा जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, वो बदलता है छोटी आंत में,
वो बदलता है छोटी आंत में। तो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूध अगर आपने पिया है खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद, तो दूध में एक प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन। इस केसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम पैरा केसीन में बदलता है, ताकि इस पैरा केसीन के ऊपर पेप्सिन अटैक करे और इसका डाइजेशन कर दे, किसमें? पेप्टोन और पेप्टाइड्स में। तो इस तरीके से हमारे पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इससे पहले खाना आया था किससे? माउथ से। उसमें किसका डाइजेशन हो रखा था? कुछ कार्बोहाइड्रेट का उसमें डाइजेशन हो रखा था, है ना? तो इससे पहले कुछ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रखा था, कहां पर हुआ था? माउथ में। फिर कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। भाई देखो, मैं लिख देती हूं इस चीज को, कि माउथ से कुछ कार्बोहाइड्रेट आई थी, कुछ शर्कराएं आई थी जिसका डाइजेशन हो रखा था, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ शर्कराएं आई थी जिनका हो रखा था, लेकिन कुछ नहीं भी हो रखा था। अब पेट में क्या हो गया? स्टमक में कुछ प्रोटीन का तो हो गया, कुछ प्रोटीन का तो हो गया, लेकिन कुछ प्रोटीन बच गया। लेकिन याद करो, फैट का तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ, फैट का डाइजेशन तो हुआ ही नहीं। इसका माउथ में हुआ, प्रोटीन का पेट में हो गया, लेकिन फैट का तो बिल्कुल नहीं हुआ। जो आपने वसा खाई है, तेल, घी, बटर, मक्खन, छाछ, दही, ये सब खाया है, तो इनका तो डाइजेशन हुआ ही नहीं है फैट का। तो हमारे पेट में एक मिक्सर बन गया, कुछ डाइजेस्टेड और कुछ अनडाइजेस्टेड, कुछ पचित भोजन और कुछ अपचित भोजन। इन सबके मिक्सर को पेट में डाइजेशन के बाद, प्रोटीन जब थोड़ी बहुत डाइजेस्टेड हो जाती हैं, उसके बाद जो मिक्सर बना है उस फूड को काइम कहा जाता है। इसे कोई चाइम नहीं बोलेगा, काइम। जैसे माउथ वाले को क्या नाम दिया था? बोलस नाम दिया था ना। अब ये बता दो आप मुझे कमेंट करके कि बोलस में डाइजेशन किसका हुआ था, क्या डाइजेस्टेड था, और काइम में क्या डाइजेस्टेड है, बस ये बता दो मुझे, जल्दी कमेंट करके बताओ ये चीज। हाँ जी, कमेंट बॉक्स में बताओ। कुंदन कुमार सिंह, आप बहुत फालतू के कमेंट टाइप करते हैं, क्यों इतना बोलते हैं आप? बेटा ग्रंथि और अमाशय पेट को कहते हैं, ग्रंथि ग्लैंड होती हैं। चलो बताओ। यस किश्वर, बिल्कुल सही आंसर दिया। अरे भैया, माउथ में फूड था वो बोलस था, और माउथ वाली में सिर्फ किसका डाइजेशन हुआ था? शर्कराओं का। और किसका नहीं हुआ था? प्रोटीन और वसा का। जबकि काइम में कुछ तो पीछे से आई शर्करा और कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। ये कुछ हुआ है, पार्शियल हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फैट का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फैट का बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये पेट में भोजन पचने के बाद काइम कहलाता है, माउथ में भोजन पचने के बाद बोलस कहलाता है, बोलस कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको मेरी? सबने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब बच्चे, आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है, खाना कम खाता है। तो बच्चे में दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? रेनिन। तो एक क्वेश्चन आता है, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम बनता है? तो आप बताओगे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम बनता है? रेनिन एंजाइम ज्यादा बनता है। बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम बनता है? RENIN लगाना, ठीक है, सिंगल एन नहीं होगा बेटा, रेनिन, पिंकी डबल एन लगाओ। रेनिन एंजाइम बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जब आप छोटे बच्चे थे, आप दूध पीते थे, आप में रेनिन ज्यादा बनता था। फिर धीरे 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 आपने दूध पीना बंद कर दिया, तो आपके बॉडी में रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है बेटा, है ना? आपने देखा होगा छोटे बच्चे आपके घर में हैं, तो आप दूध पिलाते हो, कभी कभी वो उल्टी कर देते हैं, तो क्या होता है? वो दूध हल्का सा जमा हुआ सा बाहर आता है ना, वो होता है बेटा। देखो, जब रेनिन एंजाइम क्या करता है, कैसीन को किसमें बदल देता है? पैरा कैसीन में। तो इस समय अगर बच्चे को उल्टी उल्टी आ जाती है, तो यही पैरा कैसीन उसके मुंह से निकलता है बाहर, और यही कच्चा दूध, बोलते ना बच्चे ने कच्चा दूध वापस गिरवा दिया, मुंह से वापस निकाल दिया, तो यही पैरा कैसीन बाहर निकल जाता है, ऐसे फटा हुआ सा दूध निकलता है, ठीक है। लेकिन बाद में इस पैरा कैसीन पे आपका पेप्सिन एंजाइम अटैक करता है और इसे पेप्टोन और पेप्टाइड की फॉर्म में बदल देता है। तो इस तरीके से हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है यहां तक,
यहां तक, ठीक है, यहां तक। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आप HCl देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक बहुत केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, एक प्रबल अम्ल माना जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आपने किसी की स्किन पे डाल दिया, अगर आपने इसी को अगर आपने इसको किसी की स्किन पे डाल दिया तो उसकी स्किन जल जाती है बेटा, उसकी स्किन जल जाती है, उसका पे उसका हाथ उसका फेस जल जाता है। एक्चुअली इसी को ही तेजाब कहा जाता है। डाल देते हैं ना लड़कियों के फेस वगैरह पे तेजाब डाल देते हैं, स्किन जल जाता है ना। लेकिन हमें भगवान ने इसको हमारे पेट में दिया, केमिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपने किसी की स्किन पे डाला तो उसकी स्किन जल जाती है बेटा, ठीक है। तो अब हमारे पेट में इतना स्ट्रॉन्ग है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? स्ट्रॉन्ग पेट भी तो है, पेट में भी तो स्किन है अंदर की तरफ, तो पेट वाली स्किन को क्यों नहीं जलाता ये? कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोए सुबह आपका पेट जल के राख हो गया? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे यहां से पेट के अंदर की तरफ से HCl निकल रहा है। मान लो ये लाइन है, ये HCl निकाल रही है, इसके जस्ट नीचे की तरफ एक लाइनिंग और होती है और इस लाइनिंग को बोलते हैं श्लेष्मा परत, म्यूकस लेयर। इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर। इसे म्यूकस लेयर कहा जाता है, श्लेष्मा परत कहा जाता है। और ये जो म्यूकस लेयर होती है ना बेटा, ये होती है बेसिक नेचर की, ये क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी? ये क्षारीय प्रकृति की होती है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एसिड और बेस जुड़ते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो उदासीनीकरण हो जाते हैं, उनका पीएच वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, 7 हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इससे हमारा पेट को जलने से बचाती है ये म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर क्या करती है? हमारे पेट को जलने से बचाती है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी लेयर है जो हमारे पेट को एसिड के प्रभाव से बचाती है, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? म्यूकस लेयर, श्लेष्मा परत। अगर ये नहीं होती तो आपका पेट जल गया होता कभी भी। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ ले कि हमारा स्टमक का पीएच वैल्यू कितना होता है, स्टमक का पीएच वैल्यू कितना है, तो स्टमक में HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू अप्रोक्स, जैसे माउथ का सलाइवा का बताया था मैंने, सलाइवा का कितना था अप्रोक्स? 6.5 से 6.8। ऐसे ही हमारे पेट में एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पेट का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1.5 से लेकर 2.5। लेकिन अगर इस पीएच वैल्यू से कम हो जाएगा तो आपको एसिडिटी होने लग जाती है। कम हुआ इसका मतलब, ये बताओ क्या ज्यादा निकला? एसिड। और एसिड ज्यादा निकलेगा तो पेट में जलन होगी, उसी जलन को तो आप क्या बोलते हैं? एसिडिटी बोलते हैं, है ना। तो हमारे पेट का पीएच 1.5 से लेकर, देखो किसी किसी का 1.8 भी हो, 1.8 हो सकता है, किसी का 2.1 हो सकता है, मतलब रेंज ये होती है। अगर इससे कम आया तो एसिड ज्यादा निकल रहा है, एसिड ज्यादा निकलेगा तो आपको एसिडिटी होगी, पेट में जलन वगैरह पैदा होगी। तो ये आपके पेट में, तो माउथ, हमने कौन कौन से ऑर्गन पढ़े ये बताओ जल्दी से। सबसे पहला माउथ, माउथ में हमने टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड सब पढ़ ली। उसके बाद खाना कहाँ आया? खाना आया हमारे फूड पाइप में, और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ आया खाना? खाना आया हमारे पेट में। ये देखो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ मेनली, और अब पेट से होता हुआ खाना कहाँ जाएगा? ये देखो आप इस डायग्राम में कि ये रहा आपका पेट, ये रहा आपका पेट, ऐसे ऐसे, ये देखो ये पेट। अब इसी पेट से जस्ट नीचे की तरफ आपकी ऐसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अब खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में खाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कितने हिस्से होते हैं, वो सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कल से हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें लीवर, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत। 3 क्लास और लगेंगे इस चैप्टर में, बस 3 के बाद एक खत्म हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ,
नहीं बेटा, ज्यादा पानी पीने से पाइलोरिक वॉल्व खराब नहीं होता है रोशे, खाना खाने के साथ अगर आपने ज्यादा पानी पिया तब की बात कर रही हूं मैं। हाँ जी, मैंने ये नहीं कहा है कि ज्यादा पानी पीने से पाइलोरिक वॉल्व खराब हो जाता है, नो गलत है। मैंने ये कहा है कि ज्यादा पानी अगर खाने के साथ पी लेते हो तब होता है बेटा। चलो फिर स्टडी लिखें, आज 5 स्टडी लिखाई जाए। चलो लिखेगा स्टडी, आप याद दिलवा दिए आज जूही जी, थैंक यू जूही। सबसे पहला लिखोगे स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी, पहली स्टडी लिखोगे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी जल्दी से लिखेंगे। किसके बारे में? जब आप बीमारियों के बारे में, सारी की सारी बीमारियां, डिजीज कैसे होती हैं बीमारियां, किसका क्या पैथोजन होता है, किसकी वजह से हुई है, कौन सी बीमारी, उसके बारे में जब आप स्टडी करते हो, रोग के बारे में, रोगों के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। किसके बारे में? रोगों के बारे में अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आप लिखोगे अगली, अगली लिखो आप टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो जो याद आ रही है वो लिखवा दे रही हूं। टैक्सोनॉमी, टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, किस तरीके से सभी जीव जंतुओं को अलग अलग जगतों में बांटा गया, वर्गीकरण, उस वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना आप बताओगे टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट आप बताओगे अगला किसके बारे में, अगला कौन कौन सी लिखवा दी थी अब मुझे कैसे याद रहेगा। हाँ सपना देवी बताइए आपका क्या डाउट है, क्या डाउट है सपना देवी पूछ लीजिए मुझसे। अब मुझे याद कैसे रहेगा कि मैंने आपको कौन कौन सी करवा दी थी, ये तो प्रॉब्लम होगी, मुझे भी साथ साथ में नोट डाउन करनी पड़ेगी कि मैंने ये आपको लिखवा दी है ना। स्टॉमक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपके, ये बताओ कि फ्रूट्स की स्टडी लिखवा दी थी मैंने, हाँ फ्रूट्स की स्टडी लिखवा दी थी, फ्रूट के बारे में, फलों के बारे में अध्ययन करना, फलों की, आंट्स की, आंट्स की लिखवाई थी, चींटियों के बारे में अध्ययन करना, चींटी की तो नहीं लिखवाई थी मैंने, चींटी के बारे में, चींटियों के बारे में, आंट्स के बारे में स्टडी करना, मिर्मेकोलॉजी, मिर्मेकोलॉजी आंट्स की। एक और अगर फ्रूट्स की नहीं लिखवाई है तो प्लीज इसे नोट डाउन करना, फलों के बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। अब मैं ना रोज इसकी फोटो ले लिया करूंगी जिससे मुझे याद रह जाए कि मैंने कौन कौन सी लिखवाई थी, कौन सी नहीं लिखवाई थी, मैं फोटो ले लेती हूँ, है ना। नेक्स्ट एक और लिखो, स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के जो अंडे होते हैं, स्टडी ऑफ एग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के अंडों के बारे में अध्ययन करना, ओलोजी, ओलोजी ये 5 हो गई। चलो ये 5 याद करो और मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए, नहीं तो मेरे साथ है। अच्छा एक बच्चे ने लिख के भेज दिया कि मैम इतनी सारी हो चुकी हैं, तो मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ, ये लीजिए तो मुझे याद रह जाएंगी अब अगली बार से, नहीं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी मैं से। ये लो अब मैं हर क्लास में ये कर, बेटा MgCl2 भी एक सॉल्ट होता है, NaCl भी एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट कोई NaCl ही थोड़ी होता है पिंकी पांडे, पिंकी जी सिर्फ NaCl ही सॉल्ट थोड़ी होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी आपको, मोर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, और इसके अलावा और कौन सा होता है, ब्लैक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। बेटा क्रांति कुमार, जठर ग्रंथि और अमाशय ग्रंथियां एक होती हैं, अमाशय का मतलब होता है पेट, स्टमक, और जठर ग्रंथियों का मतलब होता है जो पेट के अंदर ग्रंथियां हैं, ठीक है।
तो मैंने ये 5 नोट करवा दिए और एक बच्चे ने लिख कर भेज दिए कि मैम ये करवा दी, तो ये मैं आपको नोट डाउन कर लेती हूँ, अगली क्लास में भैया मैं इनके अलावा करवाऊंगी, ठीक है?